आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत क्लासिक वीडियो है। इसे कम्प्लीटली देखिएगा, पूरा देखिएगा, इसे स्केप मत कीजिएगा। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी स्केप करते हैं सो आपको इम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो मिस कर जाएंगे। आप जब भी कोई पेलोड जनरेट करते हैं, जब आप कोई बैकडोर जनरेट करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग या नाट नेटवर्क की पूरी समझ हो। बगैर पोर्ट फॉरवर्डिंग किए अगर आप किसी विक्टिम को कोई पेलोड भेजते हो या उसको रिमोटली एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो आप तभी कर सकते हो जब वो उसी इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस कर रहा होगा जिस इंटरनेट कनेक्शन को आप एक्सेस कर रहे हो। अगर वो किसी और इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस कर रहा है, उसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग आनी चाहिए, उसके लिए आपको NAT यानी नाट नेटवर्क की समझ होनी चाहिए। सो ये क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है, आइए समझते हैं। ओके, सो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत डीप में बताने वाला हूँ, बहुत इंटरनल बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर रहने का शौक हो वो इस वीडियो को स्केप कर सकते हैं, और जिन्हें इंटरनल जानना हो वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ओके, सो चलिए जानते हैं एक्चुअली होता क्या है। जब भी आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया है सो आप अपने कंप्यूटर में दो तरीके के IP एड्रेसेस देखते हैं। एक होता है आपका इंटरनल IP एड्रेस, जिसे आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करते हैं और आप टाइप करते हैं IP config, और इसके बाद जो IP एड्रेस आपको दिखाई देता है दैट इज़ योर प्राइवेट IP एड्रेस। ओके, जो आपके प्राइवेट इंटरफेस को एक्सेस करता है। और जब आप अपनी ब्राउज़र को ऑन करते हैं और अपने ब्राउज़र को ऑन करके आप टाइप करते हैं व्हाट इज़ माय IP एड्रेस, सो जो IP एड्रेस आपको दिखाई देता है वो आपका होता है पब्लिक IP एड्रेस। जब भी आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करते हैं और वहाँ पे आप टाइप करते हैं IP config, तो आप अपना IP एड्रेस तो देखते ही देखते हैं, साथ में आपको दिखाई देता है एक और टर्म जिसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है एक्चुअली ये एक गेट है आपके प्राइवेट इंटरफेस और आपके पब्लिक इंटरफेस के बीच में। मीन्स जब भी आप अपना ब्राउज़र ऑन करते हैं और आप किसी साइट पर विजिट करना चाहते हैं सो वहाँ पर जो आपका IP एड्रेस होता है वो आपका एक्सटर्नल IP एड्रेस होता है, जिसे आप सर्च करते हैं व्हाट इज़ माय IP के अंदर, ना कि आपका इंटरनल IP जिसे आप CMD से सर्च करते हैं। और ये जो आपका एक्सटर्नल IP एड्रेस होता है ये आपका IP एड्रेस नहीं होता, ये आपके उस राउटर का एड्रेस IP एड्रेस होता है, ये आपको राउटर प्रोवाइड करता है। सो, जब भी मैं किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब मैं इंटरनेट क्लाउड पर जाना चाहता हूँ, और मान लीजिए मैं YouTube एक्सेस करना चाहता हूँ या मैं Facebook एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं जो भी एक्सेस करना चाहता हूँ वह मैं अपने IP एड्रेस से एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, मैं उस IP एड्रेस से एक्सेस कर रहा हूँ जो राउटर का है, मेरे राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे ने जो मुझे दिया है, जो मेरे राउटर ने मुझे दिया है। सो, जब यूट्यूब को मैं कॉल करता हूँ, जब मैं ब्राउज़र ऑन करता हूँ, लिखता हूँ www.youtube.com, मीन्स मैं इंटरनेट क्लाउड पर जा रहा हूँ, और यूट्यूब से जब रिक्वेस्ट आ रही होती है तो वो रिकग्नाइज करती है उस IP एड्रेस को जो मेरा एक्सटर्नल IP एड्रेस है, जो कि मेरा अपना नहीं है, मुझे उस डिफ़ॉल्ट गेटवे ने दिया है। सो, वो रिक्वेस्ट कहाँ तक आएगी? वो रिक्वेस्ट आएगी मेरे राउटर तक। इसे कुछ ऐसे समझिए कि आप किसी हॉस्टल में रहते हैं और उस हॉस्टल के बाहर आपको जाने की अभी परमिशन नहीं है। सो, आपका जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उससे आपने कहा कि आप सामने वाली शॉप से मुझे कुछ सामान ला दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड ने सामने वाली शॉप के जो हेल्पर है उसको आवाज़ देकर बोला कि सामान आपको लेकर आना है। सो, सामान क्या आप तक डायरेक्ट आ जाएगा? क्या आपने मंगवाया? नहीं, वो उस सिक्योरिटी गार्ड ने मंगवाया। सो, सामान कहाँ तक आएगा? उस सिक्योरिटी गार्ड के पास तक, मीन्स आपके डिफ़ॉल्ट गेटवे तक, आपके उस राउटर तक, क्योंकि वो IP एड्रेस उसका है। सो, यूट्यूब वहाँ आकर रुक गया। फिर कैसे पता चलता है कि आपने मंगवाया था? ओके, फिर आपके अपने कंप्यूटर तक वो रिक्वेस्ट कैसे आती है? जिस इंटरनल IP एड्रेस से आप एक्सेस कर रहे हो, जो इंटरनल IP एड्रेस आपका है, मान लीजिए जिस वाईफाई से आप कनेक्टेड हो, वहाँ से 10 कंप्यूटर और कनेक्टेड है। ओके, फिर यूट्यूब को कैसे पता चला कि वो आपके पास तक आना चाहता है? जस्ट बिकॉज ऑफ NAT टेबल, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल। ये सारा का सारा खेल जो है, जिसे हम NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट फॉरवर्डिंग या कभी कभी गेनिंग भी कहते हैं, एक्चुअली ये सारा का सारा खेल है IP एड्रेसेस का। क्योंकि हमारे जो IP एड्रेसेस हैं वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड हैं, और ये सारे इसलिए डिवाइड किए गए हैं ताकि हमारे IP एड्रेसेस फिनिश ना हो जाए। सो, IANA ने उसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि हमारा जो इंटरनल IP एड्रेस होगा वो हमेशा स्टेटिक होगा, और जो
एक्सटर्नल आईपी एड्रेस होगा जिसे हम बाहर की दुनिया से या वैन में एक्सेस करना चाहेंगे। सो हमें एक डायनामिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा हमारा राउटर, जो कुछ समय के लिए होगा, उस समय तक होगा जब तक हम उस सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा काम हो जाएगा वो हमारा जो आईपी एड्रेस है या हमारा राउटर जब रिबूट होगा तो वापस से वो चेंज हो जाएगा, मीन्स वो आईपी अगली बार बदल चुका होगा। सो ये रिक्वेस्ट हमारे पास कैसे आती है, हम 10 लोग कनेक्टेड हैं, एक ही वाईफाई को एक्सेस कर रहे थे और मैंने यूट्यूब पर एक रिक्वेस्ट भेजी और यूट्यूब से वो वीडियो आ रहा है तो उस राउटर तक आ रहा है, उस सिक्योरिटी गार्ड तक आ रहा है। फिर उस सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पता चलता है, क्योंकि उस सिक्योरिटी गार्ड ने, उस राउटर ने, उस डिफॉल्ट गेटवे ने क्या किया, एक टेबल बना कर रखा है जिसे हम नाट टेबल कहते हैं या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल कहते हैं। मीन्स आप मान लीजिए कि आपका जो आईपी एड्रेस है उसको सेव करके अपने पास रख लेता है, ठीक है, आपके इंटरनल आईपी को, और साथ में जो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस जो उसने आपको प्रोवाइड किया है उस पब्लिक आईपी एड्रेस को उसी के साथ सेव करता है। सो जब रिक्वेस्ट आपके पास आती है तो राउटर को पता होता है कि ये रिक्वेस्ट किसके लिए आई है, तो वह आपके पास तक सेंड कराता है, जैसे आपके सिक्योरिटी गार्ड को पता था, ठीक है। सो ये रिक्वेस्ट कब हुई, जब आपने खुद रिक्वेस्ट भेजी थी उस वेबसाइट को, पर पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है, अब आपके केस में दूसरा हो रहा है, क्योंकि आप जो पेलोड जनरेट करते हो वो पेलोड हमेशा आप रिवर्स कनेक्शन के लिए जनरेट करते हो, मतलब आप ये चाहते हो कि आपका जो पेलोड है, जो बैकडोर आप जनरेट कर रहे हैं, जो कनेक्शन आप चाहते हो वो रिवर्स कनेक्शन हो, मतलब आपका जो टारगेट है वो खुद आके आपसे कनेक्टेड हो। सो यहाँ पर आप क्या करते हो ना, आप एक पोर्ट, एक स्पेशल पोर्ट आप जाके अपने राउटर को, अपने डिफॉल्ट गेटवे को बताते हो कि यार ये जो 444 है या 8080 है, ये एक यूनिक पोर्ट नंबर है, इस पोर्ट से जब भी कोई रिक्वेस्ट आए तो उसे मेरे आईपी एड्रेस पर ट्रांसलेट करना। जैसे मान लीजिए कि आपके लैन नेटवर्क में 10 आईपी एड्रेस थे, 192.168.1.1, 1.2 एंड सो ऑन, ऐसे करके 10 तक थे। सो आपका आईपी एड्रेस अगर 192.168.1.3 है तो आप कह रहे हैं कि जितनी भी रिक्वेस्ट इस प्रॉपर पोर्ट से आए वो आप मुझ तक भेज देना, मीन्स 1.3 के पास लेके आना। मीन्स आप गए सिक्योरिटी गार्ड के पास और आपने उसको बताया कि आपके अपने नाम से जो भी पार्सल आए उसको आपके रूम नंबर 101 में या 101 में या 101 में आपको ट्रांसफ़र करना है। कोई भी रिक्वेस्ट अगर इस नाम से आती है, कोई भी पार्सल इस नाम से आता है, कोई भी लेटर इस नाम से आएगा, सो आप उसे उस रूम में ट्रांसफ़र करना। सो यही आप अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को, अपने राउटर को यही बताते हो कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी इस पोर्ट नंबर से, इस प्रॉपर पोर्ट नंबर से, इस एक सेट किए हुए पोर्ट नंबर से, वो आप मुझे भेज देना, उसे रोक के मत रखना, वो मेरे लिए है। दैट इज पोर्ट फॉरवर्डिंग। सो ये पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे होती है, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है नाट नेटवर्क के थ्रू। नाट जो आपका टेबल है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल, आपका राउटर एक टेबल जनरेट करता है, उस टेबल में वो सेव करके रखता है कि किस आईपी एड्रेस को वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है जो इस डेस्टिनेशन से आ रही है, या किसी एक डेस्टिनेशन से आएगा, एक प्रॉपर पोर्ट आएगा, उसे कहाँ पर भेजना है उस डेस्टिनेशन के नाम से वो सेव कर लेता है और वो आपकी रिक्वेस्ट को आपके पास तक भेजता है। हाउ इट इज़ वर्क, ये इस तरीके से वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपके पास कोई डाउट बचा हो तो आप उसे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपके जो आपकी क्वेरी है उसे दूर करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।